ब्लॉग में और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और आज देखिए नीतू क्या करने लग रही हैं, खाना बना रही है, दाल बना रही है, रोटी उनको बड़ी बड़ी वाली बहुत अच्छी। आज तो ये तंदूरी वाली बना रही है पूरी रोटियां। आज ना पूरे घर की जरा वरा से झराए डस्टिंग वस्टिंग करी है। अब ये किचन रहेगी ये वाली, ये मतलब सारे डब्बे उतार के पूरा साबुन का ब्रश मारूंगी, फिर कपड़ा मारूंगी, फिर डब्बों में डब्बा पोछ पोछ के लगाने हैं। एक काम करना है कल करना है क्योंकि अभी दिन भी नहीं रहे। ओह इधर क्या बना रहे हो? देखिए ये बन रही है, बना रही मैं करारी करारी भिंडी, ये देखिए करारी करारी मस्त वाली चटपटी भिंडी। हाँ लग रहा है जल्दी बना हो किसी पड़े हो खाने के लिए, भूख भी लग रही है। और आज नीतू ने पूरा कर दिया मतलब अंदर का सारा कमरे का डस्टिंग वगैरह जो मतलब तस्वीर वगैरह टंगे थे उन पे सब पे कर दिया। अभी रह गया थोड़ा बहुत टीवी के पास पहुँचने के लिए रह गया, बाकी सब हो गया इधर उधर 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 सारा, खाली यही किचन की तो यही रह गई है। और इस पे बस दूसरे मार के उस पर कपड़ा मारना है। इधर नीतू सफाई कर रही है और बाबू इधर फैलाने लग रहे हैं पूरा, ये देखो पूरा मतलब कमरे को थोड़ा समेट दिया, इतना फैला था ना ये गैस और गैस चल रही होते वो कछली कढ़ाई पता नहीं क्या करने जाकर रख लिए, पता नहीं अलग हो गया है क्या हो गया। अभी से खाना अलग आटा लेके गया है रोटी बनाने के लिए अपनी अलग ले गया आटा। हाँ और मतलब ये भी ले गया था मामा, मैं बोला था मामा मैं आटा भूल लूंगा, मैंने कि तुम रहने दो तो रोटी कैसे बनेगी, बोला था रोटी कैसे बनेगी मैं आटा नहीं भूल लूंगा। तो और अब लग रहा है अपने वो पटाखे जो दिवाली में पटाखे चलाते ना उसको हाँ, लेके आज मैं सफाई करी थी तो मैं इधर को रख दी वहां पटाखे, तो यहाँ पे क्या है मुझे लकड़ी का रखा ना दिखा देना, इस पे चढ़ जाता है इस पे चढ़ के ना पूरा ऊपर चढ़ जाता है जीने की तरीके से, उस पे ना जीने की तरह ऊपर जाकर बैठ जाता है वहीं पे खेलता है गर्मी में जो मन करता है मैं ले जाकर रख लेता है बर्तन की टोकना रखा है। लेकिन ये बच्चे तो शैतान होते हैं, ये उम्र ये उनकी खेलने की ना। लेकिन ये तो ज्यादा शैतानी कर देता है और पिटता भी बहुत है नीतू जी, उसको पीटते भी बहुत है। नहीं कल पिटाई कर दी थी मैं उसकी तो मेरे को शिकायत कर रहा था, बुरा लग रहा था मुझे पिटाई की थी, गुस्सा भी लाता है और गुस्से में नीतू पूरा मतलब ढंग से बजा देती हैं। अबे जब उसको पिटाई लगा दो ना तो बाद में मुझे बहुत बुरा लगता है, सच्ची बता रही बहुत बुरा। तो मेरे पापा को बता रहा था, पापा देख मम्मा यहाँ पर मारी, देख मैं लग गई देख ऐसे बोल रहा था, कह रहा बहुत अच्छा मतलब मम्मा मेरे को पिटाई किया ये मतलब मेरे को काफ़ी शिकायत बताई इसने। ज़्यादा सो नहीं गया ना रात में कल जब तक बस यही बोलता रहा है। नीतू पी रही है 11 बजे चाय, भिंडी बनाई सब्जी बनाई पर खाया नहीं, और देखो चाय भी किस चीज़ से पी रही है और टेस्ट ले रही है इस चीज़ का बूंदी मतलब कहीं नुक्ती कहते हैं कहीं बूंदी कहते हैं मतलब सब जगह था नहीं इसलिए इनको पता नहीं, मुझे तो था पता भी नहीं कि रखी है वरना मैं तो रायता बना रहे थे तो मैंने क्या खा लो। हाँ दिन तो भूख लग रही थी मुझे से भिंडी बनाई थी लेकिन रोटी नहीं खा रही मतलब ऊपर मन से खाई हूँ पेट बन के लिए, फिर बना था कुछ हो खाने को तो सब कुछ बंद हो गया, कह लेके चाय पी लो। चलिए अब नीतू को लग रही है नींद और चाय तो लगी रही मुझे, ये तो सोई नहीं पूरी रात जा रही और चाय पी के और नीतू जा रही है सोने के लिए और चाय पी के बस सोई सोने जाएंगे और खाइए पिए मेरा सो भी गए और खाइए पिए मस्त रहिए और ऐसे ही 11-11 बजे तक चाय पीते रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जब तक के लिए सबके लिए गुड नाइट और मिलते हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, टाटा बाय।